आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है। देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा विज्ञान बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आए। जैसा आप जानते हैं कि आपके लिए 3-4 सेट पेपर डाला जाएगा, तो आपकी लक्ष्य है 5 पेपर डाला जाएगा। जो नए विद्यार्थी हैं जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दे, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जो पुराने छात्र हैं जल्द से जल्द वीडियो को देखें और शेयर करें। और यह सेट 1 होगा, जानते हैं जो पुराने छात्र हैं, 4-5 सेट डाला जाएगा, जिससे आपका पूरा किताब पूरा कोर्स तैयार हो जाए, पढ़ाई पूरी हो जाए। और निश्चित रूप से यही क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ आ रहा है, देख लेना। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी उपखंड का से है, निम्नलिखित में से कौन अधिस राशि है? तो 4 विकल्प दिया गया है, अगर हम चारों पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, शॉर्ट में बनाना है। तीसरा विकल्प सही है इसका बल। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। यस आई पद्धति में संवेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। बल को ब्रैकेट में लिखा गया है, द्रव्यमान ब्रैकेट में लिखा गया एम, तथा त्वरण ए में संबंध है, में इसका संबंध है एफ बराबर एम इंटू ए। सा विकल्प सही है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका तो क्या है? वेग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विरामावस्था में किसी वस्तु में हो सकती है स्थितित ऊर्जा। जो विकल्प सही है वही बताया जा रहा है, पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। अगला है, सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि नहीं है? तो सामर्थ्य जो है अधिस राशि है, अधिस राशि। अगला है, निम्न से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? इसका सही विकल्प तो मैं नहीं लिख पाया, और आप अपने दिमाग से करेंगे। जहाँ तक है ये ऊष्मा का है, हम जहाँ तक जानते हैं, लेकिन अपने सर जी से पूछ लेना और अपने विषयाचार्य जी से, और यह किताब में सर्च कर लेना, ढूंढ लेना जहाँ तक ऊष्मा है। अगला है, पेपर पढ़ते हैं, देख लिखा गया पीटीओ, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, टॉप करना है, समझ रहे? कमेंट करके बताना है आपको कितने अंक मिले हैं। अगला उपखंड बा है, निम्नलिखित में तत्व तो नहीं है ऑक्सीजन और कागज, ब्रोमीन, जस्ता, तो कौन सा तत्व नहीं है? ऑक्सीजन तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो स्टार्च विलयन। दसवां क्वेश्चन है, परमाणु भार की इकाई किलोग्राम है, देख रहे हैं ना, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है चैडविक। NaCl का अणु भार बराबर लिखा गया है ना, देख रहे हैं, इसमें जो विकल्प है सही है वो क्या है? बा है, 58.5। उपखंड गा, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज, इसका सा विकल्प सही है, देख रहे हैं ना। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। रेशा उत्पन्न करने वाले पौधे में पाया जाता है, इसको तो मैं नहीं देख पाया। दृढ़ कोशिकाएँ, दृढ़ोतक, तंतु, मृदुतक, एरेंडाइमा, देख रहे हैं ना, एरेंकाइमा। अगला है, इसमें जो सही उपना देख लगाना है, या अपने विषयाचार से पूछ लेना या किताब में देख लेना। उपस्थित का मैट्रिक्स होता है पेशी, द्रव, ठोस, अर्ध ठोस, तो इसमें भी सर्च करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे अपने विषयाचार्य जी से कौन सा सही है। अगला, यदि आप कमेंट करके बताते हैं तो उसका भी आंसर आपको ढूंढ कर बताया जाएगा। अनावृत बीजी पौधों का लक्षण है, 4 दिए गए हैं, देख रहे हैं ना, इनमें जो सही हो उसमें सही पे टिक करना है आपको। जूट के रेशे होते हैं, 4 विकल्प दिया गया है, जो विकल्प सही हो उसमें करना। फ्लोएम में, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में, बाहिकाओं में, दृढ़ोतकीय रेशे में, एक बीजपत्री पौधा है धान, ये धान विकल्प सही है इसका, मैंने कर दिया है, देख लेना धान। मेढक का हृदय 3 बेशमी होता है। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, टॉप करना है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना।
अगला क्वेश्चन है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखना, इसका उत्तर लेते हैं। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था, एक बस के लघु उत्तरी प्रश्न है, इसका गणना करना था, तो बस का त्वरण पूछ रहा है ना, इसको कैसे लगाएंगे, देख लीजिए, ये दिया गया, हल किया गया, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से, देख रहे हैं ना, बिल्कुल त्वरण बराबर, देख रहे हैं ना, पूरा लिखा गया है, ये पूरा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है, देख लीजिए, घट कर ना, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए ना, देख रहे हैं। और इसका एक लाइन आगे और है, देख रहे हैं ना, इसका ये वाला भाग देख रहे हैं ना, पूरा है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक है, तो कितना आया है उत्तर, -1.1 मीटर प्रति सेकंड घाते 2। देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो को पूरा देखना है। इसका अगला क्वेश्चन है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब आप विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? देख रहे हैं ना, क्यों पूछ रहा है, तो इसको छोड़ना नहीं है, पूरा लिखना है, इसका आंसर है, देख रहे हैं ना, यही है, कार या गाड़ी में असावधानी से बैठे यात्री कार या गाड़ी के कायक तीव्र गति से गतिमान हो जाने के कारण पीछे की ओर गिर जाते हैं ना, दिखाई दे रहा है ना, तो इसका पूरा लिखेंगे, देख रहे हैं ना, कैसे दिखाएंगे आप, इसको पूरा लिखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, फिर उसके बाद इसको नहीं लिखना है, जहाँ टिक किया है मैंने इतना लिखना है बस अकेला आपको, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ से, फिर आपको चलती गाड़ी के, देख रहे हैं ना, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, फिर यहाँ से पूरा टिप्पणी लिखेंगे, पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ तक परिलक्षित नहीं हो पाता है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, टॉप करना है, और आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, देख रहे हैं ना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये लघु उत्तरी है, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ना, लिखा गया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, अब इसका देख रहे हैं ना, अब आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, देख रहे हैं ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, पूरा दिखाई दे रहा होगा, छोड़ना एक भी नहीं है, बहुत बड़ा है ये, लॉन्ग आंसर टाइप में है ये, पूरा देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा दिखाई दे रहा, देख रहे हैं ना, इतना से लिखेंगे आप, पूरा पूरा ऐसे लिखना है आपको, आप अपने किताब में भी ढूंढ सकते हैं, इसको देख रहे हैं ना, ये पूरा लिखा गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये सब पूरा आपको लिखना है, देख रहे हैं ना, उदाहरण भी दिया गया है इसका, उदाहरण भी डाल के लिखेंगे, ये उदाहरण है, इसके आगे ऊपर भी लिखा गया, देख रहे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है, यहाँ तक लिखना है, सार्वत्रिक नियम पूरा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन था, इसी में दीर्घ उत्तरी है, अब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में, मतलब स्मॉल लेटर जी और कैपिटल लेटर जी, संबंध स्थापित कीजिए, देख रहे हैं ना इसका, अथवा न्यूटन के गति विषयक नियमों को उदाहरण देकर समझाइए, तो आपको दो में से एक करना है, तो हम इसका पहला ऊपर वाला आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना आप, आपको दिखाई दे रहा हो, कह रहा है इसमें से चौथे का दीर्घ उत्तरी का अथवा वाला मैं बता रहा हूँ, न्यूटन के गति विषयक नियमों को उदाहरण देकर समझाइए, देख रहे हैं ना, तो इसमें है, इसके आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिख देंगे, देख रहे हैं, न्यूटन के गति के नियमों का उल्लेख कीजिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल छूटना नहीं है, पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, लिखना है, आगे है, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, अब यह है उपखंड ख का पहला लघु उत्तरी है, पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती हैं, लिखना है, चार नंबर का है, छोड़ना नहीं है, इसका उत्तर,
देख रहे हैं ना, पदार्थ के कणों की विशेषताएं चार अंक का है। देख लीजिए आप क्वेश्चन पहले देखिए, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं, पदार्थ के कणों की विशेषताएं डाल करके फिर लिखेंगे यहाँ तक ना, देख रहे दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा आपको नंबर मिलेगा, छूटेगा एक भी नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है गैसों में संपीड्यता के अधिक होने के तीन उपयोग लिखिए। इसका अपना किताब में ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, या अपने विषयाचार्य से कांटेक्ट करेंगे उनसे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है दीर्घोत्तरी का, इसमें है कह रहा है दीर्घोत्तरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन, देख रहे हैं ना, अथवा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं, देख रहे हैं ना। तो यही मैं बता रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ कि इसका रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या विशेषताएं सीमाएं हैं, इसी को लिखना है। तो लेते हैं, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन दिया गया था रदरफोर्ड के, क्या दिया गया है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। 82 देख लीजिए लिखा गया है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो रदरफोर्ड के विशेषता लिखना है, देख रहे हैं ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लघुत्तरी प्रश्न है, देख रहे हैं ना, नाइट्रोजन चक्र क्या है इसका वर्णन कीजिए, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं, इसको मैं दिखा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा और सिलेंटरेटा संघ के जंतुओं में क्या अंतर है, और दीर्घ उत्तरी है वर्टीब्रेटा, देख रहे हैं ना, कशेरुक, देख रहे हैं ना, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं, इसको बिल्कुल लिखना छोड़ना नहीं है। और नाइट्रोजन चक्र क्या है इसका वर्णन कीजिए, इसको अपने सर जी से पूछ लेना, दिखा देना, पूछ लेना। ए है देख रहे, दिखाई दे रहा है आपको पूरा, ए है एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं, पूरा इसी तरह से लिखेंगे, एक भी अक्षर नहीं छूटना है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा और सिलेंटरेटा संघ के जंतुओं में क्या अंतर है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, क्या है पोरीफेरा, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं ना, बिल्कुल दिखाई दे क्या अंतर है, दिखाई दे रहा है ना, यही को करना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरी है, एक करना है। अब इसका देख लीजिए उत्तर कैसे लिखेंगे, ये पूरा के पूरा आपको दिखाई दे रहा है अंतर, पोरीफेरा और सिलेंटरेटा वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर है, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, देख रहे हैं ना, एक तरफ पोरीफेरा और एक तरफ सिलेंटरेटा, पूरा का पूरा ऐसे लिखेंगे, देख रहे हैं ना, क्या छः दिया गया है, छः टॉपिक, छः बिंदु दिया गया है, छः नंबर तक अंतर इसका लिखना है आपको, छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देख रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन है 10-11 कह रहा है बैटरीबेटा करेसु प्राणी को विभिन्न वर्गों में बांटने के आधार की व्याख्या कीजिए, अथवा तीनों प्रकार के पेशी रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल मानव पेशी के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए, तब उदाहरण सही लिखिए, देख रहे हैं ना, पूरा दिया गया है आपको, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं ना, इस पूरा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक के। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।